हेलो का, तो स्वागत है आप सबका फैंटेसी फॉर लाइफ के इस यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे विन भी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला आज के लिए लाइक जो हमारा लिवरपूल वर्सेस सिटी के बीच में जो आज का मैच रहने वाला है, एंड कैसे कुछ इस मैच के रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, प्लेइंग इलेवन क्या है, कौन से प्लेयर बढ़िया रहेंगे, और मे बी थोड़ा बहुत क्रेडिट इशू भी आपको इस मैच की टीम बनाने में आ सकता है, तो वो भी दूर करेंगे। तो सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। 200 सब्सक्राइबर अपने को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने, एक बढ़िया सा गिवअवे आपके लिए आएगा 200 सब्सक्राइबर्स पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। बाकी उसके अलावा अभी चलते हैं अपने प्रीव्यू के ऊपर। तो अब आ जाते हैं देखो प्रीव्यू पर। बट उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप टीम वगैरह के लिए ग्रैंड लीग की टीम जो मैं शेयर करता हूं वो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक वर्क ना करे तो आप ऐसे कुछ देख सकते हो ना, @fantasy4life आप सर्च करोगे तो उस चैनल में जाना है, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी मैच है लिवरपूल वर्सेस सिटी के बीच में, कम्युनिटी शील्ड का ये फाइनल मैच है। मतलब कि देखो कम्युनिटी शील्ड ऐसा रहता है कि सिर्फ एक ही मैच होता है, सिंगल लेग है, जो भी जीत गया मैच का रिजल्ट आएगा तो मैच एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है। अगर आखिर तक लाइक ऐसा रहा ना कि 0-0 स्कोर है तो मैच बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम में भी जाएगा, तो वो चीज़ें ध्यान में रखकर चलना। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये मैच 0-0 जा सकता है इधर से। उसके बाद में 9:30 रहेगी इस मैच की डेडलाइन। एंड बाकी वेन्यू है किंग पावर स्टेडियम लीस्टर इंग्लैंड। मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि किसी भी टीम का ये जो है होम ग्राउंड नहीं है, दोनों ही टीम्स जो है काफ़ी सही इधर से रहने वाली है। अब आते हैं रीसेंट मैचेस पर। तो लिवरपूल के जो रीसेंट मैचेस रहे हैं उसमें सबसे रीसेंट तो साल्ज़बर्ग के अगेंस्ट में 1-0 से हार गए थे ये, बट उससे पहले इन्होंने आरबी लाइप्ज़िग को 5-0 से हराया था, जिसमें कि साला का एक गोल आया था और 4 गोल आए थे डार्विन नूनेज के, जो कि काफ़ी बेहतर प्लेयर लाइक इस टीम में आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि सादियो मैन बाहर जा चुके हैं, सादियो मैन जा चुके हैं बेयर्न म्यूनिख की टीम में, तो उनकी जगह पर डार्विन नूनेज है। उन्होंने 4 गोल इस मैच में किए थे, एक किया था साला ने, फर्मिनो, आर्नोल्ड, हार्वे एलियट एंड फैबियो कारवालो का जो है आपको एक एक असिस्ट इधर से देखने को मिल गया था। अब आते हैं सिटी के ऊपर। तो सिटी का क्या है कि बेयर्न म्यूनिख अगेंस्ट में इन्होंने 1-0 से विन किया, जिसमें कि एर्लिंग हालैंड जो कि अब सिटी के मेन स्ट्राइकर है वो थे गोल करने वाले, जैक ग्रिलिश का इधर से असिस्ट था। उससे पहले इन्होंने अगेंस्ट क्लब अमेरिका 2-1 से मैच को विन किया था, जिसमें 2 गोल थे केविन डी ब्रुइन को और एक असिस्ट जो आया था वो था रियाद महरेज का। तो ये तो हमारी लाइक दोनों ही टीम्स की जो अभी के लिए पिछले 2 मैचेस थे उसमें किस किस के गोल आए हैं। प्लेइंग इलेवन की इधर से बात करूँ तो लिवरपूल की तरफ से आपको एड्रियन एज अ गोलकीपर दिख जाएंगे, उसके बाद डिफेंस सेक्शन में आर्नोल्ड है, मैटिप है, वान डिज़क, और उसके बाद में एंड्रू रॉबर्टसन जो इधर से रहने वाले। तो लाइक चारों ही बेहतर डिफेंस के पिक्स हैं। एंड इन 4 में से मैं बोलूँगा कि अपना आर्नोल्ड के साथ में तो डेफिनेटली जा सकते हो, काफ़ी बेहतर पिक है, डिफेंस सेक्शन में रहेंगे। उसके साथ ही साथ रॉबर्टसन एक आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। फिर आते अपने जो मिडफील्ड सेक्शन रहने वाला है, जिसमें हैंडरसन, फबीनो, थियागो है, जिसमें कि फबीनो एंड थियागो को लेने का अपनी टीम में ट्राई करना, काफ़ी अच्छे पास के और टैकल वगैरह के आपको पॉइंट ये दे सकते हैं। स्पेशली थियागो काफ़ी बढ़िया लाइक टैकल, इंटरसेप्शन, इन सब के पॉइंट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में आते हैं इनका जो लाइक 3 जो मेन स्ट्राइकर रहने वाले इसके इस मैच के लिए, उसमें एक तो डियाज है, एक फर्मिनो है, एक साला है, ठीक है। तो ये 3 आपको उधर से देखने को मिल जाते हैं लिवरपूल की तरफ से जो रहने वाले हैं। अब आते हैं अपनी सिटी की तरफ की, सिटी की तरफ से कौन से प्लेयर्स हैं इनके मिलेंगे। एडरसन आपको एज अ गोलकीपर, गोलकीपर आज किसी भी टीम का ले सकते हो, मेनली ऐसा क्राइटेरिया रखना कि जिस भी टीम के फेवर में आप बनाओ ना टीम, अपनी जो फैंटेसी टीम वो बनाओ उसका आप गोलकीपर रख लो तो ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप किसी भी टीम का रख सकते हो, कोई ज़्यादा लाइक बड़ी दिक्कत नहीं है आज के मैच में। उसके बाद में इनका डिफेंस सेक्शन में वोकर है, फिर डियास है, फिर स्टोन्स है और कैंसेलो है। तो ये 4 है जिसमें से अगर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की बात करो तो उसमें सबसे ज़्यादा देखो इधर से कैंसेलो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा ना गोल असिस्ट काफ़ी ज़्यादा लाइक हर मैच में आपको करता हुआ दिखता है, मोर ऑफ द अटैकर एज ये खेलता है। तो काफ़ी बेहतर पिक रहेगा एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, अगर आप डिफेंस सेक्शन में से अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो कैंसेलो काफ़ी बेहतर पिक है। तो कैंसेलो उसके साथ में फिर आपके लिए डियास काफ़ी अच्छा पिक यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो 4 डिफेंडर हो गए हैं और 4 से कम मैं बोलूँगा कि इस मैच में लेना मत, क्योंकि हो सकता है कि मैच 0-0 में लाइक चला जाए और यहाँ से पेनल्टी शूट आउट में मैच जाए, तो अपने को क्लीन शीट के पॉइंट काफ़ी बेहतर मिल जाएंगे। उसके बाद में मिडफील्ड सेक्शन की बात करूँ तो सिल्वा है, रोड्री है और डी ब्रुइन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि लाइक मैं बोलूँगा काफ़ी सही पिक रहने वाले हैं। स्पेशली इधर से डी ब्रुइन तो आपके लिए मस्ट पिक है। उसके बाद में महरेज है, हार्लैंड है, ग्रिलिस है, और इन 3 में से आपके लिए हार्लैंड एक मस्ट पिक इधर से जो है नज़र आते हैं, जो कि ऐसे प्लेयर्स है जो रहने ही रहने चाहिए टीम में, क्योंकि एज अ मेन स्ट्राइकर है आपको बहुत गोल जो है हार्लैंड की तरफ से इस सीज़न में और जब प्रीमियर लीग स्टार्ट होगा तो उसमें आपको इधर से दिखने वाले हैं।
अब आते हैं रीसेंट फॉर्म। तो देखो रीसेंट फॉर्म में ऐसा है कि अभी जो सबसे रीसेंट मैच है वो लिवरपूल ने हारा है, उससे पहले 2 विन किए थे। सिटी अभी तक अपने पिछले 5 मैच में एक भी हारी नहीं है और काफ़ी जो मैचेस है वो ड्रॉ खेलते हुए इधर से आ रही है। ओवरऑल हेड टू हेड 20 हुए हैं जिसमें से 9 लिवरपूल, 5 ड्रॉ और 6 जीते हैं सिटी ने। बट अगर आज की बात करूँ तो आई थिंक थोड़ा सिटी का लाइक एक फेवर रहेगा इधर से, सिटी के जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। बाकी ग्रैंड लीग की टीम अपनी मैं बोलूँगा कि 5 डिफेंडर, उनमें कैप्टन वाइस कैप्टन, एटलीस्ट 4 से 5 टीम ऐसी बनाकर चलना जिसमें आप लाइक ऐसी जो पिक्स है ना वो कर रख के चलो। तो ये तो रहेगी आज के लिए हमारी जो दोनों ही टीम्स की तरफ से प्लेइंग 11 थी। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन साला, ठीक है साला एक अच्छे हो सकते हैं, उसके बाद में एक हालैंड और एक डी ब्रुइन। आई थिंक ये 3 आपके लिए सबसे बेहतर जो स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन है। ग्रैंड लीग के लिए कैंसेलो को ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग के लिए इधर से सिल्वा को आप ट्राई करके चल सकते हो, एंड इधर से बात करूँ तो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने के लिए। तो ये रह सकती है आज के लिए टीम, जिसमें कि जो टीम है वो थोड़ा मेरा लिवरपूल के फेवर में, बट उसके अलावा एड्रियन है। आप यहाँ पर जो सिटी का एक गोलकीपर लेकर सिचुएशन जो है वो काफ़ी एक बैलेंस रख सकते हो, एक ऑप्शन है आपके पास में। उसके बाद में रॉबर्टसन, वान डिज़क, आर्नोल्ड को पिक किया, इधर से कैंसेलो, डियास है, उसके बाद में डी ब्रुइन, एलकांट्रा और रोड्रिगो हर्नांडीज़ है। तो क्रेडिट की काफ़ी दिक्कत आएगी, तो आप जो है यहाँ से मैंने महरेज के ऊपर रिस्क लिया है, उसके बाद में एर्लिंग हालैंड और मोहम्मद साला रहेंगे। तो ये अभी के लिए कुछ टीम रह सकती है, बाकी फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, तो ज्वाइन वहाँ से कर लेना। बाकी देखो इसमें बात करो भी कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो साला एंड इधर से एर्लिंग हालैंड काफ़ी अच्छे आज के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन है। बट मैं ज़्यादा सेफ जाने के लिए आपको बोलूँगा कि आप कैप्टन डी ब्रुइन को एंड वाइस कैप्टन के लिए या तो आप हालैंड को या फिर वाइस कैप्टन आप साला को ट्राई कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप आज किसके फेवर में टीम बनाते हो। अगर आप सिटी के फेवर में जा रहे हो तो डेफिनेटली डी ब्रुइन के साथ में हालैंड वाइस कैप्टन, और अगर आप लिवरपूल के फेवर में जा रहे हो तो फिर आप वाइस कैप्टन जो है साला को उधर से रखकर चल सकते हो। तो रहेगी टीम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अपना सपोर्ट लाइक बनाए रखना। काफ़ी लाइक एक मैं बोलूँगा कि शुरुआत हम कर रहे हैं अपने फुटबॉल की, एंड काफ़ी पहले वीडियोस डाली थी, बीच में ब्रेक लिया क्योंकि फुटबॉल मैचेस नहीं थे, बट अभी वापस से रेगुलर रहेंगे और आपको टीम्स वगैरह देखने को मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्द।